हेलो दोस्तों, आपके मैं चैंपियन हूं। जहां पर आज दोस्तों हम खेले थे बैटमैन द टर्टल्स से उसका एक और एपिसोड। दोस्तों अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा जहां पे दोस्तों हमारे रेड डेयर से दोस्तों हमारी फाइट होती है दोस्तों, और हमने दोस्तों रेड डेयर अपना बहुत पीटा दोस्तों, हमें एक मिस्ट्री छोड़ के गया है कि हम इसको सॉल्व करने। अब देखते दोस्तों क्या इसे हम सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस बॉक्स को देखते दोस्तों कि इसमें कोई ट्रैप तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों रेडल का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है दोस्तों कि वो रेडल के मामले में कि कुछ करते, जैसे उसने इस कैसीनो के ओनर के साथ किया कि उसने उसके उंगलियां काट दी सिर्फ मजे के लिए, अपने खौफ को बढ़ाने के लिए, जिसके बहुत टाइम से दोस्तों टीम में नहीं था दोस्तों, और अचानक से आ गया। तो इसमें सॉरी, हमने कम से कम उसने एक अच्छा काम किया हमने कि हमने दोस्तों रेडलर का दोस्तों राइट हैंड का दोस्तों हमने पकड़ लिया है, और अब दोस्तों रेडलर इसको बचाने के लिए फॉर श्योर गारंटी आने वाला है। और ये जो मोहतरमा आपको देख रहे हो ये आपके दोस्तों, वैसे मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको गेम खुद ही बता देगी कि ये बंदी है कौन, और ये बंदी इतनी हराम है ना दोस्तों, इतनी हराम है। अगर आपने डीसी की मूवी देखी तो उसमें आपको देखने को मिलेगी, और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीसी की मूवीज देखते हो तो आपको पता है कि ये मोहतरमा कौन है, ठीक है। तो गेम वाले आपको खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये मैं समझने का मुझे नाम याद है दोस्तों, अमांडा वॉलर्स नाम है इस बंदी का, और ये बंदी इतनी हराम है दोस्तों, आप देख लेना भी कि जब ये इधर को आएगी। और इसमें हमें देख लिया है गॉर्डन को और मुझे बात करते हुए, और ये बॉलर आने वाले, और देख लो जैसे ही बॉलर ने गॉर्डन की तरफ देखा भाई, गॉर्डन के भाई साहब चेहरा मुरझा गया भाई। तो भाई अब थोड़ी हम इससे बात करने वाले हैं अमांडा वॉलर से कि भाई मतलब इसका कैसे यहाँ पे आना, और ये यहाँ पे शायद से अब जितना भी रिड लगा जो भी केस होगा वो ज्यादा ये संभालेगी एज कम्पेयर टू गॉर्डन, क्योंकि उसे लगता है कि गॉड ने यार बहुत कमजोर तरीके से इसको पकड़ा। उसके हिसाब से तुम रिडलर को अभी 2 मिनट के अंदर पकड़ सकते थे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। गॉर्डन मस्त बनता है, गॉर्डन ने बहुत साथ दिया अपना, और हम गॉर्डन के साथ ही काम करेंगे, ठीक है। और ये हाँ भाई बता रहे अपनी फ्लैक्स मार रही है भाई से कि वो गवर्नमेंट की एजेंसी से काम करती है, वो सीक्रेट वाली है जिसमें स्पेशल बंदों को डालती है, और वो ये हमारे साथ काम कर रही है, बला बला जो फालतू की चीजें जिससे बात करनी है करने का सोचे, पर नहीं होगा दोस्तों। और जितनी सारी चीजों के लिए दोस्तों ये सिर्फ गॉर्डन पर सारा ब्लेम डाल दिए कि भाई तूने गलत चीज की, क्योंकि तू यहाँ पे इंचार्ज था, तेरे वजह से यहाँ पे हर एक चीज हुई, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा हमसे बात करने जाते हैं, हमारे साथ थोड़े रिलेशन सही कर दे ताकि हम ना इसके साथ हर एक चीज को शेयर करें बैटमैन, पर ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करेगा। और वो थोड़ा यही बता रहे ब्रीफ की, जब थॉमस वेन और जो दोस्तों फैल्कोनी जब होते थे, ठीक है, सॉरी पेंगुइन जब होता था, ठीक है, सॉरी हाँ सॉरी फैल्कोनी दोस्तों फैल्कोनी जब होता था तो तभी ये रिडलर था, पर अचानक से जब ये गायब हो गए तो सबको लगा दोस्तों रिडलर मर चुका, पर अब वो वापस आ चुका और अपने गॉथम सिटी को वापस लेना है जो उसकी तो है ही नहीं दोस्तों। हर किसी विलन को लगता है कि ये सिटी उसकी, पर उसकी नहीं होती, इसके बाप की तो है नहीं दोस्तों, ये बैटमैन की भी नहीं दोस्तों, बैटमैन सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन करता है दोस्तों, बैटमैन की भी ये सिटी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं सिर्फ वो अपना घर मानते हैं, और अपने घर पे अगर कोई हमला करेगा तो कोई ना कोई प्रोटेक्ट तो करेगा ना दोस्तों, सीधी बात यही है दोस्तों। तो भाई ये बात की भाई अमांडा बहुत चाहती है कि हम उसके साथ काम करें, और जो वो क्या कहते हैं गॉर्डन जो भी काम करते थे वो बहुत कमजोर तरीके से, और भाई बोल दिए कि तूने इसमें बहुत गलतियां की, क्योंकि हम रिडले का दोस्तों अभी के अभी पकड़ सकते थे, पर तेरी थोड़ी कमजोर हरकत हुई है, तेरी चाल की वजह से हम दोस्तों उसे पकड़ नहीं पाए, और उसके लिए हमें बहुत शर्मिंदा है, ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे दोस्तों, क्योंकि सिचुएशन में जो गॉड ने किया वो सबसे बेस्ट है कि वहाँ पे स्मोक ग्रेनेड जलवा ताकि थोड़ा ध्यान भटका, और हमने रिडले को पीटा, वरना दोस्तों इसमें दोस्तों हर कोई जान पड़ा, इसपे तलवार लटक रही थी सबके घर, क्योंकि भाई रेडलर ना बोला साइको बंदा है, तो उससे लड़ने के लिए भाई कुछ तो हरकतें तो होनी थी दोस्तों। ये दिखा रहे भाई बंदे का पति जा यार भाई, फिर तो भाई तुम ले काट दिया उसने भाई, इतना गंदा था। और ये एजेंट है दोस्तों, क्या नाम है इस बंदे का, इस बंदे का नाम मैं भूल गया दोस्तों, चलो ये खुद ही इंट्रोड्यूस करवा देगी बैटमैन। हाँ वही कह रहे गॉड भाई, जो जो उसका बॉक्स का सीक्रेट तो उसको बताइए मत, ये वरना ले लेगी, ये भी हम दोनों के बीच में रहेगा। हाँ बैटमैन ठीक है यार, ऐसा बहुत पहले से बात की, ओके तो भाई इससे थोड़ी देर के लिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों। एक और नई फीमेल कैरेक्टर, ओके एजेंट अवस्था, एजेंट अवस्था इसका नाम, एजेंट अवस्था, और ये कौन है एजेंट फ्लेक्स, ठीक है जाना भाई तेरे से वैसे भी हमें कुछ काम नहीं, ओके ये कुछ फाइल दे रही है हमें, रेडलर की हो गया ऑफ कोर्स शो गारंटेड, क्या नाम था सेंटा प्रिस्का,
सेंटर प्रेस का था नाम इसका, मतलब फाइल्स में यही होगा नाम पता नहीं भाई, शायद से मूवीज में भी ऐसा ही हो, आई डोंट श्योर दोस्तों। ये मेरे लिए थोड़ा बता रहे कि जो रेड लेग थोड़ी स्टोरी के बारे में पीछे से बता रहे हैं, और वही ये थोड़ा बात करे कि भाई जो एजेंट एवेस्टा है कि दोस्तों ये थोड़ी वैसे ही बात करे कि अब हमारा जो केस होने वाला थोड़ा हमें उसके साथ कोऑपरेट करके चलना होगा दोस्तों, अमेंडा वॉलर के साथ थोड़ा कोऑपरेट होकर चलना पड़ेगा, जो तो भी ठीक ही है दोस्तों। अमेंडा वॉलर का अभी हमने कुछ काम किया क्योंकि अभी अभी अचानक से बंदी टपक गई है, अब देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे काम करे दोस्तों, अभी के लिए तो ठीक ही है दोस्तों। और भाई अमेंडा वैसा थोड़ी दिल की बात थोड़ी बताने वाली है कि भाई मतलब इसके हिसाब से कह रही है कि जो हमारी जो वाइब है ना, मतलब जहाँ पे कुछ कांड होते हैं वहाँ पे हम पहले से होते हैं, और जहाँ पे कुछ खतरे वाली चीज होती है वहीं पे हम सबको बचाने के लिए आप ही जाते हैं दोस्तों। जो कहती है थोड़ा स्केप्टिकल सा, पर यार ठीक है यार भाई, क्योंकि हम भाई बैटमैन है, ठीक है बैटमैन है, कोई आंडू पांडू नहीं है, ठीक है हम कि ऐसा होगा वैसा होगा, हम जाएंगे मदद करेंगे बात खत्म। हाँ मैं सुपर हीरो, ठीक है तुम बोल सकते हो भाई बैटमैन भाई ये करता वो करता, पर अपना एक हीरो, ठीक है हीरो वाली चीजें करते हैं हम, कोई विलन वाली चीज नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा अपडेट कर रही है दोस्तों, जो फाइल में कुछ चीजें का अपडेट कर दीजिए, एक अच्छी चीज है दोस्तों, जो बढ़िया बात हमें लग रही है कि फाइल्स में से कुछ नोट अपडेट कर दिए, तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ से जाना चाहिए दोस्तों एजेंट एवेस्टा, क्या ये हमारे बाद में कोई दोस्त बनेगी, जो देख रहे हैं फिर आ गया अमेंडा वॉलर, भाई क्या चाहिए बंदी तेरे को। अच्छा ये कह रही कि भाई अब तेऊ पे अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता है रेटला के बारे में तो तेऊ जो भी जानकारी होगी तो सबसे पहले हमारे साथ शेयर करेगा, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना दोस्तों, अगर मैं इसके साथ शेयर करूंगा भाई सारा खेड ये ले जाएगी दोस्तों, और हमारे पास ठेंगा बचेगा, और हम करेंगे गॉडिंग ज्यादा, और हम जा रहे हैं यहाँ से, बाय बाय दोस्तों यहाँ से हम जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज के रोज़ इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी है दोस्तों, पार्ट बहुत बड़ा होने वाला था इसलिए इसको हम यहीं पे काट रहे हैं, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, दो दफ्ते के लिए थैंक्स।